अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट वन बायोलॉजी के अंदर चैप्टर फोर है द सेल। टॉपिक का नाम है हमारा प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट्स। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो पांच किंगडम सिस्टम है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास पांच किंगडम में से सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ऐसा किंगडम है जिसके अंदर जो है जो प्रोकैरियोट है और बाकी चारों जो है वो यूकैरियोट्स हैं। अगर हम कंपैरिजन में जाएं तो मैंने यहाँ पर टेबल ड्रॉ किया है, तो आप अगर टेबल को देखें तो टेबल के अंदर आपको दिख रहा है कि इस साइड के ऊपर जो है मैंने लिखा है प्रोकैरियोट के बारे में और उस साइड पे मैंने लिखा है यूकैरियोट के बारे में। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जो हमारे पास प्रोकैरियोट है, तो मैंने यहाँ लिखा है कि प्रोकैरियोट जो है इनके अंदर जेनेटिक मटीरियल जो है इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आपने याद रखना है प्रो बोलते हैं बिफोर को, बिफोर न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट मीन बिफोर न्यूक्लियस, जिसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोट के अंदर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। अगर प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो मिक्स होगा, वो सबमर्ज होगा विद द साइटोप्लाज्म। ये हमें याद रखना है, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं। तो प्रोकैरियोट के अंदर द जेनेटिक मटेरियल इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस बात का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा, जो डीएनए होगा, इट विल बी सबमर्ज विद द साइटोप्लाज्म। अगर हम जाएं यूकैरियोट में तो यू बोलते हैं ट्रू को, कैरियोट का वर्ड जो है वो न्यूक्लियस के लिए है, तो यूकैरियोट मींस ट्रू न्यूक्लियस। तो यहां आपको एक वेल डिफाइंड स्मॉल न्यूक्लियस मिलेगा। तो हमें याद रखना है ये सबसे पहला डिफरेंस है कि जो यूकैरियोट है उनके अंदर जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो हमने सीख लिया कि जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के पास जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन अगर हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो वहां पर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। अगर हम आगे चलें तो हमें याद है चैप्टर वन के अंदर हमने बात की थी, मैंने आपको सिखाया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं असल में ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, उनका नंबर बहुत कम होता है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो बड़े कम होते हैं, तो जो प्रोकैरियोट है उनके अंदर लैक मैनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो ये उनका नंबर भी कम होता है और उसकी टाइप्स भी कम होती हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट के अंदर जो है हमारे पास वो आपके पास क्या होता है, वहां पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो चैप्टर फोर यही चैप्टर था आपका जिसके अंदर आप लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ा है अबाउट द ऑर्गेनल्स, कि वहां पर ईआर है, राइबोसोम्स हैं, गॉल्जी पेटस है, लाइसोसोम है, ग्लैक्सोसोम्स हैं, साइटोस्केलेटन है, तो वैक्यूल, तो हमने काफी ज्यादा जो है वो ऑर्गेनल्स पढ़े हैं यूकैरियोट के अंदर। तो यहां तक जो है हमने कंपैरिजन किया दोनों का कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन यूकैरियोट के अंदर है। और फिर सीखा आपने कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनल्स नहीं होते, ये कम होते हैं और उसके अंदर मौजूद हैं। अगर हम आगे चलें तो अगर हम राइबोसोम को कंपैरिजन करें तो हमें पता है, पहले से हम टॉपिक जो है पढ़ चुके हैं राइबोसोम्स के बारे में। तो हमने वहां पर बात की थी कि जो राइबोसोम होते हैं हमारे पास यूकैरियोट के, वो ATS के होते हैं, बड़े राइबोसोम होते हैं। और मैंने आपको सिखाया था कि जो S का वर्ड है वो सेंट्री, वो स्वेडबर्ग के नाम से है, के नाम से है, और ये सेडिमेंटेशन यूनिट्स हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन में ये यूनिट्स यूज किए जाते हैं। तो जो स्मॉल राइबोसोम होते हैं वो प्रोकैरियोट के अंदर हैं, और जो राइबोसोम जो हैं वो यूकैरियोट में हैं वो बड़े होते हैं, जैसे आपको दिख रहा है कि 70S के प्रोकैरियोट के अंदर हैं और 80S के जो है वो यूकैरियोट के अंदर हैं। तो वो जो चारों किंगडम्स हैं उनके अंदर आपको मिलते हैं 80S के राइबोसोम आप लोगों को मिलते हैं। तो ये हमारे पास तीन हमने कंपैरिजन कर ली अभी तक जो है। तो हमने देखा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो मिक्स होगा विद साइटोप्लाज्म, लेकिन यूकैरियोट के अंदर जो है वो डिफरेंट है, वो डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। प्रोकैरियोट के अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोट में होते हैं। फिर आपने सीखा कि स्मॉल राइबोसोम होते हैं 70S के प्रोकैरियोट के अंदर, लेकिन लार्ज राइबोसोम है 80S के, वो होते हैं यूकैरियोट के अंदर होते हैं। अगर हम इससे आगे जाएं तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मोर प्रिमिटिव है, तो याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोट है वो ज्यादा पुराने सेल हैं, ज्यादा एंशियंट सेल्स हैं, तो ये प्रिमिटिव टाइप का सेल है, सिंपल सेल है, सादा सेल है, और ये एंशियंट जो है वो सेल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट की, तो वो जाहिर है कि वो एडवांस सेल्स हैं, तो वो जो है वो एडवांस हैं, प्रोकैरियोट के बाद जो है वो सेल्स आए हैं।
अगर हम इससे आगे चलें तो प्रोकैरियोट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसे बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल होगा उन्हें बोलेंगे यूकैरियोट्स। अगर हम एक और डिफरेंस पे गौर करें तो जो मेन फीचर है आपके पास बैक्टीरिया वगैरह का, जो एल्जी वगैरह का, वो हमारे पास है सेल वॉल। तो याद रखिएगा कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है इसके अंदर जो है वो मिलता है आपको पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसे बोलते हैं म्यूरिन। और याद रखिएगा आप लोग, जो सेल वॉल प्रोकैरियोट की है इसे ये एक एंटायर ह्यूज मॉलिक्यूल हम करते हैं कंसिडर, और उसे बोलते हैं सेकुलस। तो आपको याद रखना है कि जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो एक एंटायर ह्यूज मॉलिक्यूल हम उसको जो है वो समझते हैं और उसको हम बोलते हैं सेकुलस। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है बैक्टीरिया, एल्जी वगैरह, जो सारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी, तो सारे जो बैक्टीरिया होते हैं सन बैक्टीरिया जो है, तो ऑल द बैक्टीरिया जो है वो आपके पास आते हैं प्रोकैरियोट में। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट के सेल वॉल के बारे में, तो यूकैरियोट के अंदर जो है प्लांट में हम जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं प्लांट के सेल वॉल के बारे में, कि जो प्लांट की सेल वॉल है उसके अंदर आपको मिलता है सेलुलोज। और हम जानते हैं कि जो प्लांट के सेल वॉल है उसके अंदर तीन लेयर्स हैं, प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है और मिडल लैमेला है। तो प्लांट की सेल वॉल के अंदर जो है सेलुलोज है, लेकिन बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर जो है पेप्टाइडोग्लाइकन है। फिर आप जानते हैं कि फंजाई का सेल भी यूकैरियोट का सेल है, और जो फंजाई है उसके अंदर आपको मिलता है काइटन, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर और यूकैरियोट के अंदर सेल वॉल का जो बिल्डिंग मटेरियल है उसके अंदर भी फर्क है। तो हमने क्या बात की, तो हम एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंपैरिजन में लेके चल रहे थे, हम एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि जो प्रोकैरियोट है और जो यूकैरियोट है दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो जो प्रोकैरियोट है उनके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल जो है वो है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्योंकि ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है और यही वजह है कि इसके अंदर जो है मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और ये जिसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा इट इज मिक्स्ड विद साइटोप्लाज्म, इट इज सबमर्ज्ड विद साइटोप्लाज्म, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर इज अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, देयर इज अ न्यूक्लियर एनवेलप। और आपका टॉपिक था न्यूक्लियस के अंदर, मैंने आपको वहां पर सिखाया भी था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां पर उसके अंदर मौजूद होती है जो डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर जो है वो ईआर के साथ कंटिन्यूस है और जो इनर है वो एनक्लोज करी साइटोप्लाज्म को। फिर आपने सीखा इसके बाद जो है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, तो जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या आपके पास ईआर है या गोल्जी पैटर्न है, दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट के अंदर इनका नंबर भी कम है, इनके टाइप्स भी कम है, बट इफ यू टॉक अबाउट द यूकैरियोट देयर आर मेनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, जो आपने चैप्टर 4 के अंदर जो है वो सारे ही पढ़े हैं। ठीक है, तो हमें आइडिया हो गया कि प्रो में यू में क्या डिफरेंस है। फिर हमने दोनों के राइबोसोम्स को कंपैरिजन किया, तो राइबोसोम की अगर हम बात करें तो स्मॉल राइबोसोम जो हैं वो होते हैं हमारे पास प्रोकैरियोट के अंदर, और जो आपके पास होते हैं यूकैरियोट के अंदर जो है वो लार्ज राइबोसोम होते हैं, ATS के होते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था वहां पर भी कि जो एस का वर्ड है वो स्वेडबर्ग के लिए होता है, साइंटिस्ट के नाम से स्वेडबर्ग के लिए वर्ड यूज करते हैं एस का, ये हमें पता होना चाहिए। अगर हम उसके बाद की बात करें उससे आगे चले, हम तो देखा हमने कि यूकैरियोट के अंदर 80S के होते हैं और प्रोकैरियोट के अंदर 70S के होते हैं। फिर आपने सीखा कि दोनों में से कौन से सेल्स हैं जो हमारे पास जो है प्रिमिटिव हैं, ओल्ड सेल्स हैं या एंशियंट सेल्स हैं। तो प्रोकैरियोट है वो सिंपल भी हैं, एंशियंट भी सेल्स हैं, ओल्ड सेल्स हैं, और जो यूकैरियोट है वो एडवांस सेल्स हैं, वो अभी जो है वो आप इसलिए हम कहते हैं कि एवोल्यूशन के अंदर कि प्रोकैरियोट से कौन निकले, यूकैरियोट निकले। अगर हम उसके बाद जाएं तो एक मेन जो फीचर है बैक्टीरिया के सेल के अंदर वो उसके सेल वॉल है, और जो बिल्डिंग मटेरियल है बैक्टीरिया के सेल वॉल का वो उसके पास है पेप्टाइडोग्लाइकन। और आपको याद रखना है कि जो बैक्टीरिया के सेल वॉल है जिसके अंदर मौजूद है पेप्टाइडोग्लाइकन, उसको हम एक एंटायर ह्यूज मॉलिक्यूल समझते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकुलस। और अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट के अंदर कि उनके एग्जांपल क्या मिलती हैं आपको, तो वहां आपको मिलते हैं बैक्टीरिया, वहां आपके पास है प्लांट्स, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, ये सारे यूकैरियोट्स हैं। और प्लांट के सेल वॉल के अंदर आपको मिलता है सेलुलोज, और जो हमारे पास सेल्स होते हैं जिनको आपके पास जो प्लांट और एनिमल, प्लांट के सेल वॉल में आपको मिलता है सेलुलोज, और जो फंजाई के सेल वॉल में आपको मिलेगा काइटन। तो ये आपके पास जो मेजर डिफरेंसेस हैं। तो ये आपका आज का लॉन्ग क्वेश्चन था, हमने क्या पढ़ा है आज, हमने बात की चैप्टर 4 है पार्ट 1 बायोलॉजी में द सेल, टॉपिक का नाम था प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट्स,
और फिर आपने कंपैरिजन में गए हैं कि प्रोकैरियोट जो है वो यूकैरियोट में क्या डिफरेंसेस हैं, और ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो मेन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है आज का, ये हमारा टॉपिक था आज का। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।